कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आज का आपका फिजिक्स में पेपर चल रहा है बीएससी पार्ट सेकंड में थर्मोडायनेमिक्स। जिसका टॉपिक है अपना कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। रुधोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन, रुधोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन। देखिए अपना जो चैप्टर था वो क्या था, प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर। जिसमें आपने क्या पढ़ना है, न्यून तापों का उत्पादन किस प्रोसेस के द्वारा अपने को मिनिमम टेम्परेचर है वो मिल सकता है। जिसमें अभी तक अपन ने जो पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, ये तो क्या है रुधोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन। इससे पहले जो पढ़ा था अपने एडियाबेटिक का, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो क्या था रुधोष्म प्रसार द्वारा, कूलिंग बाय एडियाबेटिक एक्सपेंशन, रुधोष्म प्रसार द्वारा शीतलन पढ़ा था। उसके बाद में पढ़ा था अपन ने पुनर्निवेशी शीतलन, कूलिंग बाय रीजनरेटिव पुनर्निवेशी शीतलन, रीजनरेटिव प्रोसेस। उसके बाद अपन ने पढ़ा था किसके द्वारा शीतलन, जूल टॉमसन प्रसार द्वारा, कूलिंग बाय जूल टॉमसन एक्सपेंशन, जूल टॉमसन प्रसार के द्वारा, एक्सपेंशन आ रहा है प्रसार द्वारा शीतलन। देखो यहां तक अपन ने पढ़ा, इसमें अपन ने देखा या इसका क्या मिला था, अपन ने एक फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, अक्स इक्वल टू एच एफ माइनस एच आई अपॉन एच एफ माइनस एच एल। एच से क्या लिया था एंथैल्पी, एफ यानी फाइनल एंथैल्पी उसकी, आई मतलब इनिशियल एंथैल्पी थी, ये एल है। एल की क्या थी, उसके कुछ जो भाग उसका अंश था वो लिक्विड फॉर्म में आ गया था उसकी, तो द्रव की एंथैल्पी। ठीक है, यहां पढ़ा तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट यहाँ का, यहां से न्यूमेरिकल मोस्ट ऑफ टाइम यहां से पूछा जाता है, ये आता है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा इनवर्स टेम्परेचर निकाला। सबसे मेन जो फॉर्मूला था अपना इसमें इनवर्स टेम्परेचर, और तो वही प्रोसेस कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर अपन ने गैस को प्रवाहित किया, वहां से उसके ताप दाब में अंतर देखा, फिर ये अपना फॉर्मूला आता है। ठीक है, फिर ग्रेटर देन लेस देन इक्वल की अपन कंडीशन देखते हैं, म्यू एच जो जूल कोफिशियंट होता है, जूल टॉमसन कोफिशियंट है, इसको अपन ने देखा आदर्श गैसों के लिए क्या होता है और वान डर वाल या रियल गैसों के लिए क्या होता है। तो वान डर वाल गैस के लिए अपन करते हैं तब ये वैल्यूज आती है, अपन फाइंड आउट करते हैं, और आदर्श गैसों के लिए देखते हैं तो ये अपने को क्या मिलता है जीरो। तो सबसे पहली बात ये बताने का अपना मतलब यहीं पर यही है कि रुधोष्म विचुंबकन और रुधोष्म प्रसार, एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन एंड एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, वो दो अलग अलग चीजें हैं। तो रुधोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन ये क्या होता है, ये चुंबक उष्मीय प्रभाव, चुंबक उष्मीय प्रभाव मतलब मैग्नेटो
कैलोरिक इफेक्ट कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो चुंबक उष्मीय प्रभाव पर आधारित वह प्रक्रिया जिसमें अनुचुंबकीय लवण या अनुचुंबकीय पदार्थ को क्या किया जाता है, रुधोष्म ढंग से विचुंबकत किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कूलिंग बाय एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट है, मैग्नेटो कैलोरिक इफेक्ट। इस पर आधारित वह प्रक्रिया जिसमें किसी अनुचुंबकीय लवण या अनुचुंबकीय पदार्थ, मतलब पैरामैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक सॉल्ट को क्या किया जाता है, रुधोष्म ढंग से बाय एडियाबेटिक प्रोसेस। रुधोष्म आपको पता है सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं होता है, कोई इंटरचेंज नहीं होता है, के द्वारा क्या किया जाता है, इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल को डीमैग्नेटाइज किया जाता है, जिससे क्या होता है अपने को लो टेम्परेचर मिलता है। अभी कितना मिलता है इस पर अपन एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहली बात कि चुंबक उष्मीय प्रभाव पर आधारित वह प्रक्रिया जिसमें अनुचुंबकीय लवण या अनुचुंबकीय पदार्थ को रुधोष्म ढंग से विचुंबकित किया जाता है। तो देखो सबसे पहले तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स या फिर पैरामैग्नेटिक सॉल्ट यहां पर क्या है, कई बार इसको अपन पीएम से लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर मटेरियल्स दैट टेंड टू वीक मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ, कौन सी डायरेक्शन में होंगे, जो कि उन पर मैग्नेटिक फील्ड अपन ने अप्लाई किया है, मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ देयर मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। जो अपन क्या करते हैं, व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, देखो क्या होता है, ये वो पदार्थ वो लवण है वो क्या होते हैं, कम चुंबकीय रूप से प्रभावित होते हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव तो होता है लेकिन जो अप्लाई फील्ड किया अपन ने चुंबकीय क्षेत्र में उस दिशा में थोड़े से कम चुंबकित होते हैं। ये ऐसा क्यों होता है कि देखो जो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है इनका लेते हैं जो डाइपोल मोमेंट या पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय आघूर्ण, या तो अपन कह सकते हैं इसको द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का, या अनुचुंबकीय पदार्थों का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या होता है, इनमें परमानेंट होता है, स्थायी रूप से होता है, क्योंकि ये किस वजह से होता है, ये परमानेंट डाइपोल मोमेंट या परमानेंट पैरामैग्नेटिक मोमेंट ही क्यों होता है, क्योंकि इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता है, कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका जो डाइपोल मोमेंट या पैरामैग्नेटिक जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कभी भी जीरो नहीं होता है, नॉट टेंड टू एडेड अप टू
जीरो, क्योंकि एक जो एटम है उसके सभी इलेक्ट्रॉनों का क्या है, वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो कभी भी उसका जो आपका चुंबकीय आघूर्ण है या चुंबकीय क्षेत्र का द्विध्रुव आघूर्ण है वो आपको शून्य नहीं मिलेगा। दूसरी बात है कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, जो पैरामैग्नेटिक पदार्थ होते हैं, उनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो क्या होती है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या होगा, अगर अपन इस टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो वो क्या कर देंगे, उनकी जो जो मैग्नेटिक मोमेंट पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है वो क्या करेंगे, अपनी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है या उनका मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो होगा, जो अपन ने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लिया है, वो स्टार्ट क्या कर देंगे, उसको लॉस करना, वो क्या है, धीरे धीरे कम होता जाएगा अगर अपन टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे। दूसरी बात, जो पैरामैग्नेटिज्म का जो प्रॉपर्टी है, ये सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस तीनों में एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो यही था पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। ये आपको पैरामैग्नेटिक मटेरियल इस टॉपिक में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको जो पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिज्म है, ये आप पढ़ के आए हो, क्यूरो टेम्परेचर भी आपने पढ़ाया है। चुंबकीय लवण के लिए क्या करते हैं अपन, चुंबकीय प्रवृत्ति लिखेंगे तो किससे लिखते हैं, क्यूरिनियम से लिखते हैं, काई जो अपन इसको बाहर से दे रहे हैं, अपन उसको क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे, तब भी क्या होगा, वो अपने जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है उसको लॉस कर देंगे, या उससे जो चुंबकीय क्षेत्र है उससे धीरे धीरे दूर चले जाएंगे। मतलब कि जो दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र जो कहते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र से कम आकर्षित तो होते हैं लेकिन थोड़े कम आकर्षित होंगे, यही है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो सबसे पहले आप लिखोगे, हेडिंग लिखिए, कूलिंग बाय एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन या रुधोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन। डेफिनेशन लिखिए, चुंबक उष्मीय प्रभाव पर आधारित वह प्रक्रिया जिसमें अनुचुंबकीय लवण या जो लवण भी लिखा हुआ मिल सकता है, लिख सकते हो, पदार्थ भी लिख सकते हो, कौन कौन से पदार्थ ले सकते हैं वो अपन इसमें आगे डिस्कस करेंगे। अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय लवण या अनुचुंबकीय पदार्थ को रुधोष्म ढंग से विचुंबकित किया जाता है रुधोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन कहलाता है। ठीक है, अब देखो, अगर अपन इसका प्रिंसिपल देखें, प्रिंसिपल ऑफ एडियाबेटिक
डीमैग्नेटाइजेशन। देखो इस प्रिंसिपल में ही आपको ये लिखवा देंगे कि ये चुंबक उष्मीय प्रभाव क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि जूल टॉमसन की प्रक्रिया है, उसके द्वारा अपन ने कितना टेम्परेचर प्राप्त किया कि अपने को वो भी सफिशियंट नहीं कि उससे भी ज्यादा अपन मिनिमम प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए ये कर रहे हैं बाद में, क्योंकि ये क्या प्रोसेस बाय प्रोसेस चल रहा है, रुदोष प्रसार द्वारा शीतलन किया, पुनर्निवेश शीतलन किया, फिर जूल टॉमसन किया। तो सबसे पहला फैक्ट तो यही है कि जूल टॉमसन प्रसार द्वारा 0.82 केल्विन ताप प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहली बात ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जूल टॉमसन की प्रक्रिया के द्वारा आप मिनिमम कहां तक टेम्परेचर प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद आती है इसका दूसरा फैक्ट जो ये कि जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकित किया जाता है तो क्या होता है, तो उसका चुंबकीय आघूर्ण वो क्या है, अप्लाइड जो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा में हो जाता है, जिससे क्या होगा उसका ताप बढ़ेगा। इसके लिए क्या करोगे, जो उसके विद्युत चुंबकीय ध्रुव जो होंगे उनको आप क्या करोगे, हटाओगे, अचानक से उनको हटाओगे तो क्या होगा, उस अनुचुंबकीय पदार्थ का जो ताप है वो धीरे धीरे क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा। इसी को अपन क्या कहते हैं, चुंबक उष्मीय प्रभाव। ये प्रोसेस जैसे कैसे होती है, ये इसके आगे वर्किंग में आएगी। जैसे ये क्या है, ये कोई भी पात्र है, कोई कंटेनर है, तो उसमें ये होता है कि यहाँ पर आपने क्या लिया, द्रव हाइड्रोजन लिया है, ठीक है, यहाँ पर आपने क्या लिया है, लिक्विड हीलियम लिया है, यहाँ पर आपने क्या है, जो पैरामैग्नेटिक सॉल्ट लिया है, ठीक है, यहां से क्या होगा, ये वैक्यूम पंप, ये इधर से क्या होगा, हीलियम पक्ष, हीलियम जाएगी इधर से, तो इसमें क्या होता है, ये जो यहां से ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, इस निर्वात पंप से यहां पर क्या लेंगे अपन, वैक्यूम पंप, तो सतत रूप से यहाँ पर हीलियम को प्रवाहित करेंगे, फिर यहाँ से क्या होगा, द्रव हीलियम के द्वारा जो उत्पन्न ऊष्मा होगी उसको ये यहाँ से अवशोषित करके बाहर की तरफ निकालेंगे। इस तरीके से क्या होगा, ये पंप की सहायता से वो हीलियम को जो कंटिन्यूअस रूप में अपन इसमें लेके आएंगे, फिर धीरे धीरे क्या होगा, अपन ये सारी प्रोसेस क्या होगी, ये एक ऐसे स्ट्रॉन्ग जो विद्युत चुंबकीय ध्रुव है उसके बीच रखा होता है। अगर अपन क्या करेंगे, एक चुंबकीय ध्रुव एन और एस को हटा लेंगे, नॉर्थ साउथ पोल वाला अपन ने पढ़ा है मैग्नेटिज्म में, तो इनको हटा लेंगे तो यहां तक जब तक ये है तब तक तो क्या है, इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ठीक है, इसको एनर्जी और ज्यादा मिल रही है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। यहां से जैसे ही अपन क्या करेंगे, इनको हटा लेंगे तो वो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, कमजोर होगा। इससे पहले तो क्या था, इनकी डायरेक्शन जो थी इसकी, जो इस परमाणु में जितने भी जो गैडोलियम सल्फेट लिया है अपन ने, पैरामैग्नेटिक सॉल्ट के रूप में लेते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ गैडोलियम सल्फेट को लेते हैं, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट को लेते हैं, तो ये क्या होगा, तब तक तो इन परमाणुओं के सभी इलेक्ट्रॉनों का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो इधर से स्ट्रॉन्ग एक मैग्नेटिक फील्ड मिले, तो ये क्या होंगे, इनकी डायरेक्शन एक ही होगी, ठीक है, तो इसका ताप भी बढ़ेगा तो आंतरिक ऊर्जा भी बढ़ेगी सीधी सी बात। लेकिन जैसे ये हटा देंगे, इनको अपन क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, तो ये बढ़ा हुआ टेम्परेचर था वो क्या होगा, धीरे धीरे कुछ समय पश्चात कम होगा, कम होगा, तो ये पदार्थ क्या है, ताप कम होगा तो ये धीरे धीरे ठंडा होगा, तो अपने क्या होगा, मिनिमम टेम्परेचर मिलेगा। तो इस प्रोसेस के द्वारा इसमें लगभग क्या है, 10^-3 केल्विन तक ताप प्राप्त किया गया है। जब तक एन और एस लगे, जब इनको रिमूव किया जाता है तो ये क्या होता है, 10^-6 केल्विन तक इस दोष विचुंबकन द्वारा शीतलन में ताप प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी बात, दोष भी चुंबकन द्वारा शीतलन वाला जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि किसी भी पदार्थ का जो ताप है वो कम से कम, अधिक से अधिक जो कहें, वो इसी विधि के द्वारा 10^-6 तक कम किया जा सकता है, और विधि के द्वारा अपन ने इतना कम टेम्परेचर प्राप्त नहीं किया है।
ठीक है। तो जूल टॉमसन प्रसार द्वारा शीतलन, तो जूल टॉमसन प्रसार में क्या किया, 0.82 केल्विन तक अपन ने टेम्परेचर प्राप्त किया। आगे को सेकंड फैक्ट इसका लिखिए, जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को, जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकित किया जाता है तो इस अवस्था में उसके सभी परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण एक दिशा में होने के कारण उसके किसके अनुचुंबकीय पदार्थ के ताप में वृद्धि हो जाती है। यह तो वह सेकंड तक उसके ताप में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, क्योंकि सभी परमाणुओं का जो चुंबकीय आघूर्ण क्या है, एक दिशा में है। तीसरा लिखिए, जब रुद्धोष्म लूप से, एडियाबेटिक लूप से, एडियाबेटिक लूप से विद्युत चुंबकीय ध्रुवों को हटा लिया जाता है, यकायक या अचानक से हटा लिया जाता है, तो अनुचुंबकीय लवण की आंतरिक ऊर्जा खर्च होने के कारण इंटरनल एनर्जी क्या होगी, खर्च होगी, कम होगी, तो क्या मिलेगा अपने को, ताप में कमी हो जाती है और वह अनुचुंबकीय पदार्थ ठंडा हो जाता है। इसे चुंबक उष्मीय प्रभाव भी कहा जाता है, मैग्नेटो कैलोरिक इफेक्ट, ठीक है। थर्ड लिखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ, फोर्थ सॉरी, अनुचुंबकीय पदार्थ गैडोलियम सल्फेट, ब्रैकेट में लिखोगे GbSO4 तथा पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ब्रैकेट में इसका भी फॉर्मूला लिखोगे KAlSO4 का होल ट्वाइस 12H2O, गैडोलियम सल्फेट तथा पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है जिनके ताप क्रमशः है 0.25 केल्विन। ये तो किसका है, GDSO4 लिखा था पहले, गैडोलियम सल्फेट, तो इसका तो 0.25 केल्विन, और पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का 0.002 केल्विन तक प्राप्त किया गया है। फिर इसका फिफ्थ पॉइंट लिखोगे, रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा 10⁻³ केल्विन तक, रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा 10⁻³ केल्विन तक ताप प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे, सिक्स पॉइंट लिखोगे इसका, परमाणुओं के नाभिक पर उच्च चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाए तो, उच्च चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाए तो रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा 10⁻⁶ केल्विन तक ताप प्राप्त किया जा सकता है। फिर लिखोगे सेवंथ, अनुचुंबकीय पदार्थ की साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए द्रव हीलियम का
उपयोग द्रव हीलियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट लिखोगे एट पॉइंट हाइड्रोजन व हीलियम की एक निश्चित ताप प्रवणता होती है। इस प्रवणता के कारण भी हाइड्रोजन व हीलियम की एक निश्चित ताप प्रवणता होती है। इस प्रवणता के कारण भी हीलियम अनुचुंबकीय पदार्थ को उष्मा नहीं देता है। अनुचुंबकीय पदार्थ को उष्मा नहीं देता है। तो देखो, ये आज अपन ने पढ़ा है कूलिंग बाय एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन का पार्ट फर्स्ट। इसमें अपन डेरिवेशन भी करेंगे। इसका एक सेटअप है जो आप कहोगे, जो इसका स्कीमेटिक डायग्राम है वो भी अपन देखेंगे, उसकी वर्किंग प्रोसेस को भी देखेंगे। फिर अपन एक इनका लास्ट में ग्राफ प्लॉट करेंगे, जिससे आपके टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। ये आपकी बेसिक इसकी आउटलाइंस है जो आपको पता होना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस होती है। एक एक को अपन धीरे धीरे प्रूव करते चलेंगे। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ है, जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है, वो क्या होते हैं। ये एडियाबेटिक प्रोसेस आपने पढ़ ली है, डीमैग्नेटाइजेशन आपको पता है, ये पता होनी चाहिए। और फर्स्ट जो नाम आता है इसका, मैग्नेटो कैलोरिक इफेक्ट, चुंबक उष्मीय प्रभाव, ये क्या होते हैं, जो आपके सेकंड थर्ड पॉइंट में मैंने क्लियर किया है, ये आपको पता होना चाहिए। और जब ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको ये लिखना होगा, ये डेफिनेट है कि आपको ये लिखना होगा। ठीक है, तो आगे की क्लास में अपन इसके नेक्स्ट जो वर्किंग प्रोसेस होगी उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।